आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यूएस इलेक्शंस, जिस पर हमारा फोकस यही रहेगा, यही समझने पर होगा कि आखिरकार यूएस में कोई भी राष्ट्रपति बने उसका असर भारत पर, भारतीय बाजारों पर क्या रहेगा। मेरे सहयोगी संदीप मौजूद हैं, कुछ ही देर में 8 के माइल्स के मिस्टर सुरेश वेंकटचार्य भी मौजूद रहेंगे सीधे कैलिफोर्निया से, उनसे भी वहां का माहौल समझने की कोशिश करेंगे एंड बींग एन आईटी प्लेयर उनकी स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं संदीप के पास। संदीप, काफी लंबे समय से हम बात कर रहे हैं यूएस इलेक्शंस की और अब फाइनली वो दिन नजदीक है और इंटरेस्टिंग है जो बदलाव हो रहा है आंकड़ों में। हर दिन पोल्स हमें एक नई तस्वीर ही दिखाते हैं। अब जो रीसेंट पोल्स आए हैं, ज्यादातर पोल्स में हिलरी अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ लीड कर रही हैं, लेकिन कुछ पोल्स ऐसे भी हैं जिसमें दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो बिल्कुल नॉमिनल है और वो नेक टू नेक है। तो इम्पोर्टेंट है ये जानना कि डोनाल्ड ट्रंप बने या फिर हिलरी क्लिंटन बने, दोनों ही स्थिति में भारत पर क्या असर होगा। शुक्रिया दीपाली। देखिए, दो मेन सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर खासा असर देखने को मिलेगा। इकोनॉमी के ऊपर तो असर आएगा, लेकिन फार्मा और आईटी, ये दो मेन सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले फार्मा सेक्टर की बात करते हैं। अगर हिलरी क्लिंटन राष्ट्रपति बनती हैं तो जाहिर सी बात है तो काफ़ी सारी ऐसी दवाओं कीमतें हैं जिनकी कीमतों में कमी का खतरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर कंपनी को टैक्स छूट चाहिए तो जाहिर सी बात है उनको अपना जो R&D खर्च है उसमें बढ़ोतरी करनी होगी। और काफ़ी सारी ऐसी एसेंशियल ड्रग्स हैं जिनकी कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हिलरी क्लिंटन ने अपने मैनिफेस्टो में साफ किया है, काफी लंबे समय से वो कैंपेनिंग कर भी रही है इस चीज को लेके, कि काफी सारी ऐसी एसेंशियल ड्रग्स की कीमतें काफी ज्यादा हैं। तो अगर वो प्रेसिडेंट बनती है तो जाहिर सी बात है वो इस चीज के लिए काफी ज्यादा जोर देंगी कि जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए। तो जाहिर सी बात है इससे एक तो रेगुलेटर के जो कदम है वो और भी ज्यादा सख्त हो सकते हैं, तो जिससे इंडियन आईटी कंपनी जो कि यूएस में ऑपरेट करती हैं उनके लिए काफी खर्च बढ़ सकते हैं, विज्ञापन कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अगर दूसरी ओर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी इस सेक्टर को लेकर कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने की बात कर चुके हैं। कई सारी ऐसी नई कंपनियां हैं जो कि सेक्टर में उनको काम करने के लिए उतारा जा सकता है, खासतौर पे जो जेनेरिक बनाती हैं कंपनीज उनके लिए कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ सकता है। कई सारी ऐसी दवाएं हैं जिनकी कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है और यूएस में जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको अनिवार्य कर सकते हैं। तो उस लिहाज से सन फार्मा जैसी कंपनीज, डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनी जिनकी करीब करीब 50% के आसपास की आय वहां से आती है, उनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लुपिन, सिप्ला, ग्लेनमार्क, ये कुछ और ऐसी कंपनी जिनकी आय का जो 4-10% हिस्सा यूएस से आता है। तो उस लिहाज से देखा जाए, चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, फार्मा सेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा नेगेटिव कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। दूसरी ओर जहां तक आईटी की बात है तो हिलरी क्लिंटन तो शायद कोई बहुत बड़े बदलाव ना करें स्टेटस के तौर पे माना जा रहा है, लेकिन अगर ट्रंप नए राष्ट्रपति बनते हैं तो जाहिर सी बात है यूएस में जो कामकाज करती इंडियन कंपनीज उनके लिए जो दिक्कतें या तो फिर जो स्थिति है काफ़ी मुश्किल हो सकती है। एक तो जो इमिग्रेशन प्रोसेस है शायद उसको और सिंजन किया जा सकता है, साथ ही साथ उभरते देशों के जो लोग हैं वो यूएस के जो इंप्लॉयज़ हैं उनकी नौकरी छीन रहे हैं, ऐसे बयान भी ट्रंप की ओर से निकल के सामने आए। तो उस लिहाज से देखा जाए जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उसको लेकर काफी ज्यादा सख्त वो हो सकते हैं। और जो ट्रेड वॉर की बात उन्होंने करी थी तो काफी ज्यादा टैरिफ्स या तो फिर जो कोटास हैं वो भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए आईटी सेक्टर के लिए ट्रंप शायद काफी बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो आपने दोनों ही पहलू आपने देखे, आईटी और फार्मा के लिए, चाहे हिलरी क्लिंटन बने या फिर डोनाल्ड ट्रंप बने, दोनों स्थिति में एक फार्मा के लिए नेगेटिव स्थिति पैदा हो सकती है और ट्रंप क्योंकि इमिग्रेशन नॉर्म्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट उनका नजरिया दिखा है तो उस लिहाज से जो आईटी सेक्टर है उस पर शायद थोड़ा बहुत नेगेटिव असर हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जितने भी भारतीय अमेरिका में मौजूद हैं वो ट्रंप का फेवर कर रहे हैं और उनका मानना ये है कि ट्रंप प्रो इंडियन है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे विजुअल्स जो यूएस से आए उसमें हमने देखा भी कि जो इंडियंस हैं वो बोर्ड्स के साथ खड़े हुए थे जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ट्रंप इज़ गुड फॉर इंडिया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक आस्पेक्ट है। हालांकि हमारी रिसर्च के मुताबिक आईटी और फार्मा ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो जो अमेरिकन इंडियंस वहाँ पर हैं उनका क्या व्यू है इस इलेक्शंस पर, वो किन के साथ हैं ये सुन लेते हैं। पोल्स जो हैं वो कितनी टाइट हो रहे हैं, अभी तब एक दो हफ्ते तक 7% वो थी अहेड, अब है नेक टू नेक, और जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जहां काउंट होता है उसमें तो वो काफ़ी पीछे ही हट गई हैं। अब तो जैसे है कोई स्टेट्स जो हैं मिशिगन स्टेट में वो भी प्ले में आ गया है, आयोवा में आ गया है, तो और न्यू हैम्पशायर एंड कोलोराडो, तो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है 270 का वो स्टेट वे के साथ से होता है। I think it's very important to have some interface between young India, young Indians, young Indian Americans, and you know, so I'm kind of bridging that gap.
helping spread awareness about Mr. Trump's policies. It's amazing that, you know, first time Indians and Hindus have been giving so much importance at America's elections. And, you know, they have attended four of our events in the last 1 month, which is incredible. So I think this, the pro-India, the pro-Hindu, putting us on the map is just very nice. तो ये आपने राय सुनी दो इंडियंस की जो कि अमेरिका में सेटल्ड हैं और वो ट्रंप के फेवर में नजर आ रहे थे. उनका मानना है कि जो ट्रंप हैं वो बहुत ज्यादा प्रो इंडियन है, तो इंडिया के लिए फायदा होगा. और कुछ रिपोर्ट्स भी हाल ही में आई हैं कि क्योंकि चाइना या फिर पाकिस्तान को ट्रंप पसंद नहीं करते हैं और अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं और कोई भी अपनी पॉलिसी में चेंजेस करते हैं एशिया के साथ जो उनके ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में जो चाइना का लॉस होगा वो इंडिया के फेवर में जा सकता है. इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है. लेकिन एक क्विक कॉमेंट ले लेते हैं आई टी पर लवलीश से. लवलीश, कोई टेक्निकली पिक करना चाहेंगे आई टी से कोई शेयर? जी बिल्कुल, जिस तरह के लेवल्स हमको मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आप एक शॉर्ट टर्म में टेक्निकल बाउंस बैक की बात करें, मेरे ख्याल से टेक महिंद्रा काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे. 410 420 पे भी हमने रिकमेंड करा था. मेरे ख्याल से स्टॉक ने वीकली में एक वेज का ब्रेकआउट किया है. इस स्टॉक में आने वाले समय में हम 480 तक का एक बाउंस बैक दे सकते हैं. 415 नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप उसका स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें. जी चलिए, राय आपको मिली है आईटी स्पेस पर. लेकिन अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. नाउ वी हैव विद अस मिस्टर सुरेश वेंकटचारी, सीईओ 8K Miles. मिस्टर वेंकटचारी, a very good morning to you and welcome to Zee Business. Though we are here to talk about the earnings, but there is a lot more to discuss today as US election is very near. So US is about to witness a big change in their economy, and you being an IT player drive a substantial amount of revenues from there. So how do you see the situation right now, and your vote goes to which candidate? So I think it's a, see, the election plays a huge role in the business for people to make a decision and kind of a thing. But see, I'm not a partisan any vote. I don't vote here actually in the US, but I still prefer Hillary actually. And I think the chances of her winning is good. That's what I see in the report. But it will help the business climate, because I feel whatever Obama's reform, which can be continued, because we focus on healthcare. One of the industry where Obama mandated for a healthcare reform to make all the providers and payers to be automated and implement EHR, electronic health record implementation. So we specialize in that. I feel that will really help us to grow. Well, Mr. Venkatchari, it's not only you. I'm sure that all the IT players will be preferring Hillary only as a presidential candidate. But being since you are there in US and you might be interacting with a lot of Americans, what's the sense and what's the consensus building up there? Will it be Hillary or Donald? It is actually, a lot of them prefer Hillary. You see, it's very difficult to predict actually. Because there is a different survey which is a neck to neck, but some of the prediction says Hillary is still leading significantly. I hope it's a positive for her, and it's good for India too, I think. And in case Trump wins, what impact you see on IT space? No, but I don't see, this country has not changed. If you see, there is several Republican or a Democrat in the last several years. The business has not really changed. Even though Trump makes a lot of very big statements, bold statements, but I'm sure it's very difficult, because the system is run pretty much, it's a more of a corporate society runs here in the country. So I feel he will change, even if in case if he has to be elected, he will change. But I think Hillary has a fair amount of a good chance to win the election. Hillary have a good chance to win the elections. Now coming back to your earnings, 8K Miles have been consistent performer from past many quarters. How have been the performance in this quarter? So we performed pretty well this quarter too, and we grown our revenue year on year 100% and quarter on quarter about 18%. Our EBITDA also grown significantly, again same like 100% on a year on year, and 15% on quarter, and we maintain about 34.5% EBITDA on our 122 crores revenue. Predominantly, we focus on cloud. Our revenue comes from a cloud-based revenue, where we help architecture, moving them into cloud IT, IT-wide transformation, and also managed services.
In the life science and healthcare vertical, we also added a customer in the financial services and also looking at in the manufacturing and e-commerce sector. So these are the things which are mainly driving our revenue growth, because cloud is one of the very important thing where many of these enterprises use us to reduce their IT expenses. So we are in the right space. Okay. Well, thanks, Mr. Venkatachari, for being with Zee Business, and all the very best for the coming quarters also. Thank you so much. तो आपने सुना मिस्टर वेंकटचारी को जो कह रहे थे, कैलिफोर्निया से हमारे साथ मौजूद थे स्काइप के थ्रू, जिन्होंने कहा कि हिलरी को डेफिनेटली पूरा ही आईटी स्पेस प्रेफर करता है और जितनी भी अमेरिकन से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कंसेंसस है वो हिलरी क्लिंटन के लिए ही फिलहाल एज अ प्रेजिडेंट बिल्डअप हो रहा है।